Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड्स के कितने दिन बाद महिला के बच्चेदानी का मुंह खुलता है और कितने दिन तक खुला रहता है, जिसे जान के आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन का समय पे होना जरूरी है और साथ में बच्चेदानी का मुंह का खुलना भी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है महिला का ओवुलेशन तो हो जाता है, ओवरी से एक तो रिलीज हो जाता है, बट बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता। और कई बार ऐसा भी होता है बच्चेदानी का मुंह खुला होता है बट ओवुलेशन समय से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि इस वीडियो से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से बहुत जल्द इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस देखिए, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, बच्चेदानी होता है यूट्रस, एंड यूट्रस का जो मुंह होता है उसे हम कहते हैं सर्विक्स। एंड सर्विक्स महिला का पीरियड साइकिल में सिर्फ दो ही बार खुलता है। एक बार तब खुलता है जब फीमेल्स की पीरियड्स चल रही होती है। पीरियड्स के टाइम इसलिए खुलता है ताकि जो ब्लीडिंग होती है वो बाहर निकल सके। और एक बार तब खुलता है जब फीमेल का ओवुलेशन चल रहा होता है। ओवुलेशन का मतलब है जब फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है। एंड हर महिला का जो ओवुलेशन है वो मिड साइकिल में होता है, यानी जो आपकी नेक्स्ट पीरियड आएगी उसके 14 दिन पहले ही हर महिला का ओवुलेशन होता है। और इस टाइम फीमेल के बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है। ये इसलिए ओपन होता है ताकि स्पर्म यूट्रस के अंदर एंटर कर सके और फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है? क्योंकि अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है और आपका ओवुलेशन हो चुका है तो आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना ईजी हो जाता है। बट गाइस देखिए, जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है ये आपकी पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है, और हर महिला की जो पीरियड साइकिल होती है वो अलग होती है। तो इसका मतलब है कि जो बच्चेदानी के मुंह खुलने का दिन है वो भी हर महिला का पीरियड के बाद अलग होता है। तो उसे कैसे आप पहचान सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस देखिए, अगर आपकी छोटी पीरियड साइकिल है, छोटी पीरियड साइकिल का मतलब होता है अगर आपको हर महीने 21 से लेकर 25 दिन के बीच में पीरियड्स आ जाता है, या आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है। रेगुलर पीरियड साइकिल का मतलब होता है अगर आपको हर महीने 28 से लेकर 35 दिन के बीच में पीरियड आ रहा है। तो इस कंडीशन में फीमेल्स को पीरियड्स के जस्ट बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि फीमेल्स का बच्चेदानी का मुंह इस टाइम खुला रहता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए होता क्या है, जो नॉर्मली पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो 5 से लेके 7 दिन की होती है। अगर हम छोटी पीरियड साइकिल की बात करते हैं, अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, उन्हें हर महीने 21 दिन में पीरियड आता है, तो उन फीमेल्स का जो ओवुलेशन है वो 7वें दिन पे होगा, यानी ओवरी से जो एग रिलीज होगा वो पीरियड साइकिल के 7वें दिन पे होगा। क्योंकि हर महिला का जो ओवुलेशन है वो पीरियड आने से, जो नेक्स्ट पीरियड आएगी उससे 14वें दिन पहले ही होता है। यानी अगर 21 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, यानी अगर आपके 21 दिन की पीरियड साइकिल है आपको 7वें दिन पे ओवुलेशन होगा, और इसी दिन फीमेल के बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। और इस टाइम अगर फीमेल कॉन्टैक्ट पे रहती है या इससे पहले भी आप कॉन्टैक्ट पे रहते हैं शॉर्टर पीरियड साइकिल में, तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्टर पीरियड साइकिल का बता दिया। अगर हम रेगुलर पीरियड साइकिल की बात करते हैं, देखिए रेगुलर पीरियड साइकिल की कंडीशन में भी आपको पीरियड्स के जस्ट बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि पीरियड्स के बाद भी कुछ दिनों तक महिला के बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। अगर पीरियड्स के बाद भी आपकी अगर रेगुलर पीरियड साइकिल है, आप कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव इसलिए हो सकती है क्योंकि जो स्पर्म की लाइफ होती है वो टोटल 5 दिन की होती है। स्पर्म 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर आप पीरियड्स के बाद भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो इस कंडीशन में स्पर्म ऑलरेडी यूट्रस में रहता है। अगर 3-4 दिन के बाद ओवुलेशन होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है, तो स्पर्म ऑलरेडी अगर यूट्रस में अवेलेबल होगा तो स्पर्म को कोई ट्रैवल ये जो प्रोसेस है वो नहीं करनी है। स्पर्म सीधे जब ओवरी से एग रिलीज होगा तो उसे फर्टिलाइज करेगा और फीमेल का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होगा, और जिससे फीमेल्स की प्रेगनेंसी कंसीव करना भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर फीमेल का जो ओवुलेशन है वो नेक्स्ट पीरियड जो आपकी आती है उससे 14 दिन पहले ही होता है। अगर आपको 28 दिन के में पीरियड्स आती है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन पे होता है। एंड स्पर्म की लाइफ होती है 5 दिन की, यानी 14वें से अगर 5 दिन पहले भी आप कॉन्टैक्ट में रहे हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव
हो सकती है, क्यों हो सकती है, होप कर रही हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ जिन फीमेल्स का इरेगुलर पीरियड साइकिल है। इरेगुलर पीरियड साइकिल का मतलब है जिन फीमेल्स को 35 दिन से ऊपर की पीरियड साइकिल होती है, या आपको हर महीने डेट पे पीरियड नहीं आ रहा है, टाइम पे पीरियड नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं पता है कि नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, इस कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि पीरियड के कितने दिन बाद आपका ओवुलेशन हो रहा है, ओवरी से एग रिलीज हो रहा है या बच्चेदाने का मुंह खुल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो पाए, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लास्ट 6 मंथ की पीरियड साइकिल लेंथ को नोट करना है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको जो सबसे लॉन्गर पीरियड साइकिल रही है वो कितने दिन की रही है और जो सबसे छोटी पीरियड साइकिल रही है वो कितने दिन की रही है। अगर आप अपनी छोटी पीरियड साइकिल और बड़ी पीरियड साइकिल को लास्ट 6 मंथ में पहचान लेते हैं तो आपको करना क्या है, इनको 14 से माइनस करना है। 14 से माइनस करेंगे तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे, यानी एक छोटी पीरियड साइकिल का नंबर मिल जाएगा और एक लंबी पीरियड साइकिल का नंबर मिल जाएगा। तो एक थोड़ा बहुत एजम्पशन हो जाता है कि इनके इसी बीच में आपका ओवुलेशन हुआ होगा। तो ये तो आपने कैलकुलेशन करके निकाल लिया है, बट गाइज इसके अलावा भी आपको अपनी बॉडी के चेंजेस को भी नोट करना है, क्योंकि जब फीमेल का ओवुलेशन होता है तो फीमेल की बॉडी खुद साइंस देना शुरू कर देती है, जिससे पहचान के आप अपने ओवुलेशन का पता कर सकते हैं। क्योंकि जब फीमेल का ओवुलेशन होता है तो सबसे पहले फीमेल की जो ब्रेस्ट में बदलाव होने लगते हैं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है, सेंसिटिव हो जाती है, ब्रेस्ट में थोड़ा भारीपन लगने लगता है, इसके साथ सर्वाइकल म्यूकस चेंज होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस की स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो अच्छी खासी हो जाती है, स्लिपरी हो जाता है, जिससे स्पर्म के लिए ईजी होता है एग तक पहुंचना। इसके साथ अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो फीमेल के ओवरी से एग रिलीज होने के बाद 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री फारेनहाइट इंक्रीज होता है, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपकी ओवरी से एग रिलीज हो गया है। इसके साथ कई फीमेल्स में ओवुलेशन का पेन भी होता है, एक साइड पे या तो राइट साइड पे होगा या तो लेफ्ट साइड पे होगा। इसके साथ कुछ फीमेल्स में ओवुलेशन की स्पॉटिंग भी देखी जाती है जो पिंकिश और ब्राउनिश कलर की होती है। तो इन चेंजेस को अगर आप अपनी बॉडी में पहचान लेते हैं तो आप लोगों के लिए रेगुलर पीरियड साइकिल में भी प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान हो जाता है। सो गाइज देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप अपनी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं कि कब आपके बच्चेदाने का मुंह खुल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका ओवुलेशन हो गया है, ओवरी से एग रिलीज हो गया, तो ओवुलेशन के कितने दिन बाद तक फीमेल्स के बच्चेदाने का मुंह खुला रहता है। तो देखिए गाइज, अगर ओवुलेशन के दौरान स्पर्म और एग मिल जाते हैं, स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है, यानी फीमेल का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाता है, तो इस कंडीशन में जब फीमेल का ओवुलेशन होता है यानी ओवरी से एग रिलीज होता है, तो जो एग की लाइफ होती है वो 24 से लेके 48 आवर्स की होती है। अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया है तो उसके बाद, क्योंकि एग फर्टिलाइज होने में भी 12 से लेके 24 घंटे लगते हैं, तो उसके बाद फीमेल्स के बच्चेदाने का मुंह क्लोज हो जाता है एंड जो बच्चेदाने की पोजिशन है वो हाई रहती है, यानी ऊपर रहती है। अगर ओवुलेशन के दौरान स्पर्म और एग नहीं मिल पाते तो इस कंडीशन में भी 24 से लेके 48 आवर्स के बाद फीमेल्स के बच्चेदानी का मुंह क्लोज हो जाता है, बट जो बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन है वो लो हो जाती है, वो नीचे हो जाती है। और जब फीमेल्स को ओवुलेशन के 14 दिन बाद पीरियड्स आते हैं तब फीमेल्स के बच्चेदानी का मुंह अगेन खुलता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके बच्चेदाने का मुंह पूरी पीरियड साइकिल में कब खुल रहा है, ओवुलेशन के कितने दिन बाद तक खुला रहता है, जिससे आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी बहुत जल्द बढ़ा सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।